गुड मॉर्निंग पल्लवी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग किरण, गुड मॉर्निंग मनीषा। करो भाई फटाफट से कनेक्ट करो। गुड मॉर्निंग राम, मंजीत, दीपांशु। कल वाले टॉपिक के डाउट बताओ भाई, कल वाले टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो बताओ। कल वाले टॉपिक में डाउट है? ओके डन, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है आपका एग्जम्पशंस का, ठीक है? मे भी हो सकता है आज की क्लास थोड़ी सी लंबी चली जाए, क्योंकि एग्जम्पशन जो है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे आज मतलब 2 दिन में खत्म कर दिया जाए, क्योंकि सैटरडे तक चैप्टर खत्म करना है। तो टॉपिक है हमारा एग्जम्पशंस। एग्जम्पशंस क्या दे रखी है? तो रेगुलेशन 10 और रेगुलेशन 11 में एग्जम्पशंस दी गई है। रेगुलेशन 10 दैट इज कॉल्ड जनरल एग्जम्पशन। जनरल एग्जम्पशन का मतलब है कि नो एप्लीकेशन। जनरल एग्जम्पशन का मतलब क्या है? नो एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। इसे हम ऑटोमेटिक एग्जम्पशन भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? ऑटोमेटिक एग्जम्पशन। दैट मीन्स ये इसके लिए आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है? स्पेसिफिक एग्जम्पशन है। स्पेसिफिक एग्जम्पशन का मतलब क्या है? केस टू केस बेसिस पे है, केस टू केस बेसिस पर है। और आपको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई भी करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई भी करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन भी लगानी पड़ेगी। तो सिंपल सी चीज है, दो एग्जेम्पशन दी गई है, एक रेगुलेशन 10 है और एक रेगुलेशन 11 है। 10 में ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। मतलब कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस है, कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन दी गई है। आप वो वाली ट्रांजेक्शन करोगे तो ही हम कहेंगे कि आप एग्जाम्ड हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटर स्टेट ट्रांसफर है, इंटर से ट्रांसफर है, किसके बीच में? प्रमोटर्स के बीच में। जैसे हमने पढ़ा था ना इंटर से ट्रांसफर इनसाइडर ट्रेडिंग वाले केस में, तो वहां हमने क्या कहा था? उसे भी तो एग्जम्प्ट किया था ना हमने, किससे? जो इनसाइडर ट्रेडिंग की रेगुलेशन से। इसी तरह अगर इंटर से ट्रांसफर हो रहा है किसके बीच में? प्रमोटर्स के बीच में, तो यहां पे ओपन ऑफर की ऑब्लिगेशन नहीं है। यहां पे क्या नहीं है? ओपन ऑफर की ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर मैं क्या कह रहा हूं, देखो सीधी सी सिंपल सी चीज समझो। रेगुलेशन 10 ये बात कर रही है कि आपको एग्जम्पशंस मांगने की जरूरत नहीं है। कुछ एग्जम्पशन ऐसी है जो आपको मांगने की जरूरत नहीं है। इन्हें क्या बोला गया है? जनरल एग्जम्पशंस बोला गया है। इन्हें क्या बोला गया है? जनरल एग्जम्पशंस बोला गया है, ठीक है? तो जनरल एग्जम्पशंस इस तरह से है आपकी, कि ऐसी एग्जम्पशन जो ऑटोमेटिकली आपको दी गई है, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, इन्हें क्या बोला गया है? जनरल एग्जम्पशन बोला गया है। क्या बोला गया है? जनरल एग्जम्पशन बोला गया है। अब मान लो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो, तो ये एग्जम्प्ट है। मान लो बायबैक हो रहा है, और बायबैक में प्रमोटर ने तो शेयर दिए नहीं, पब्लिक ने दे दिए, पब्लिक के शेयर घट गए, और प्रमोटर बिना कुछ किए अपनी शेयर होल्डिंग को क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। राइट इश्यू है भाई, मेरी एंटाइटलमेंट बनती है, तो मैंने राइट इश्यू में क्या ले लिए? शेयर्स ले लिए, बट इसकी वजह से मैं क्या कर गया? लिमिट क्रॉस कर गया। तो
तो ऐसे में इन्हें एग्जम्प्ट रखा गया। एग्जम्प्ट किस तरह से, बोले इनके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको 90 डेज या एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दिया जाएगा, इतने टाइम पीरियड में आपको रिड्यूस कर देनी है। इतने टाइम पीरियड में आपको क्या कर देनी है, रिड्यूस कर देनी है। इस तरह के प्रोविजंस डाले गए, इस तरह की चीजें दी गई, इस तरह के प्रोविजन डाले गए। तो ये आपकी एग्जम्पशन कहां दी गई है, रेगुलेशन 10 में दी गई है। लेकिन वही आपकी एक रेगुलेशन है रेगुलेशन 11। रेगुलेशन 11 क्या कहती है, स्पेसिफिक एग्जम्पशन। स्पेसिफिक एग्जम्पशन का मतलब क्या है, यू नीड टू अप्लाई। आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा किसके पास, सेबी के पास। आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी सेबी के पास विद फीस, और सेबी देखेगा क्या सरकमस्टांसेस। अब ये कैसे सरकमस्टांसेस हो सकते हैं, इसको मैं समझाता हूं एक बार, ठीक है। रेगुलेशन 11 क्या है, स्पेसिफिक एग्जम्पशन, आपको अप्लाई करना पड़ेगा सेबी के पास सरकमस्टांसेस। सेबी अगर सेटिस्फाइड हुआ तो एग्जम्प्ट कर देगा, सेबी अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो एग्जम्प्ट नहीं करेगा, आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा। एग्जम्पशन किससे मांग रहे हैं, वो ऑफर प्रोसीजर से एग्जम्पशन मांग रहे हैं, कि वो इतना बड़ा जो ऑफर प्रोसीजर था रेगुलेशन 12 से लेके और जो 23 तक का था, वो सारा एग्जम्प्ट कर दो सर, हमारे ऊपर अप्लाई मत करो। अब देखो समझो कंडीशंस क्या है, बहुत सिंपल सा केस है। सत्यम का केस हुआ, आपके लिए एक होमवर्क है, आप थोड़ा सा सत्यम केस पढ़कर आएंगे, सत्यम केस क्या है लिख लेंगे। ये सत्यम केस हुआ था अभी 2000 पता नहीं 7-8 में, पता नहीं कब, ऐसे ही हुआ था रिसेंटली। तो सत्यम केस हुआ, सत्यम केस में क्या था, इसके जो एमडी थे डायरेक्टर थे कुछ भी कह लो, इन्होंने एक फ्रॉड किया था, क्या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आइटम्स को मिस रिप्रेजेंट किया था और यू दिखाया कि हमारी बैलेंस शीट अच्छी है, हमारी कंपनी क्या है प्रॉफिट मेकिंग है, बट एक्चुअल में वैसा नहीं था। और ये इसने किसके साथ मिलके किया, ऑडिटर के साथ मिलके किया, ऑडिटर ने उस बैलेंस शीट से साइन किए बिना ये इंटीमेट किए कि नहीं ये फिगर्स गलत है, ये जो दिखाया जा रहा है ये सरासर गलत है, तो ऑडिटर को भी इसमें सजा हुई थी। अब सत्यम केस में क्या हुआ, सत्यम में ये एक लिस्टेड एंटिटी थी, अब इसमें क्या था, हजारों लोगों ने पैसा लगा रखा था, देर वार स्मॉल इन्वेस्टर्स, दैट इज कॉल्ड पब्लिक इन्वेस्टर्स, जिन्होंने पैसा लगा रखा था, लोगों का करोड़ों रुपया डूब गया। क्यों, जब फ्रॉड का पता चला तो शेयर का प्राइस धड़म नीचे गिरा। अब शेयर का प्राइस गिर गया, स्मॉल इन्वेस्टर ने केस किया, जीत नहीं पाए क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में क्या नहीं था, ये बार मैं पहले भी बता चुका हूं, उस टाइम इंडिया में क्लास एक्शन सूट नहीं था, क्लास एक्शन सूट नहीं था। तो स्मॉल इन्वेस्टर बोले कि यार क्या 10-12 हजार रुपए के लिए केस करे, इतना तो क्या हो जाएगा खर्चा हो जाएगा, तो क्लास एक्शन सूट उस टाइम था नहीं, तो सारे सारे मिलके केस कर नहीं पाए। तो सत्यम का टेक ओवर किया, गवर्नमेंट ने सोचा बोले कैसे तो रिवाइव करें सत्यम को, ऐसे डूबने तो नहीं दे सकते, मतलब हजारों लोगों का पैसा लगा है, कुछ तो किया जाए सत्यम के साथ, बोले सत्यम की बिडिंग कराते हैं, ठीक है रिवाइव कराते हैं इस सिख इंडस्ट्री को, या इस जो मिस रिप्रेजेंटेटिव है इसको कुछ तो करे। तो इसका क्या कराया गया, इसकी बिडिंग कराई गई। और टेक महिंद्रा, ठीक है महिंद्रा की एक कंपनी है टेक महिंद्रा, इस कंपनी ने इसका टेक ओवर कर लिया। टेक महिंद्रा ने सत्यम का क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया, नॉट मर्जर नहीं किया है, क्या किया है टेक ओवर किया है, दैट मीन्स एक्वायर किया, किसको सत्यम को। सत्यम को एक्वायर किया किसने, महिंद्रा ग्रुप ने, दैट इज कॉल्ड टेक महिंद्रा ने। अब टेक महिंद्रा ने जब एक्वायर किया तो इसके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई, रेगुलेशन 3 रेगुलेशन 4 क्या हो गया ट्रिगर हो गया, इससे क्या आ गई ऑब्लिगेशन, बोले ओपन ऑफर की ऑब्लिगेशन। अब टेक महिंद्रा बेचारी देखो क्या कह रही है, यार मैं एक तो कंपनी को बचा रहा हूं, है मतलब मैं एक डूबी हुई कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उसके लिए बिडिंग कर रहा हूं, मैं उसे ऑफर दे रहा हूं कि मैं उसे खड़ा करूंगा, मैं उसे वापस चला के दिखाऊंगा, और तुम ये कह रहे हो कि नहीं पहले 26% का ओपन ऑफर दो। मतलब अभी अभी मैंने प्रमोटर वाले शेयर खरीदे हैं,
अभी अभी कौन से शेयर खरीदे हैं? प्रमोटर वाले शेयर खरीद के मैंने क्या किया, टेक ओवर कंप्लीट किया है। और तुम कह रहे हो कि नहीं, टेक ओवर तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक क्या नहीं करोगे, ओपन ऑफर नहीं दोगे। तो टेक महिंद्रा कह रही है रखो अपनी कंपनी अपने पास, हमें तो नहीं चाहिए। अगर हमें क्या देना पड़ेगा, अगर हमें ओपन ऑफर देना पड़ेगा 26% का, तो हमें नहीं चाहिए। तो यहां पे इन्होंने क्या किया, यहां पे टारगेट कंपनी, दैट मीन सत्यम, सत्यम क्या बन गई, टारगेट कंपनी बन गई। तो टारगेट कंपनी सत्यम या टेक महिंद्रा, दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन लगा सकता है किसको, सेबी को, क्या कहते हुए। अब यहां कंडीशन क्या है, तीन कंडीशन है बेसिकली यहां पे, दो तीन कंडीशन है। पहला, जो बोर्ड है इसका, जो बोर्ड है ये क्या कर दिया गया हो, रिमूव कर दिया गया हो और न्यू बोर्ड अपॉइंट किया गया हो गवर्नमेंट के द्वारा। स्पेसिफिक एग्जेम्पशन तभी मिलती है जब बोर्ड क्या कर दिया गया हो, रिमूव कर दिया गया हो पहले वाला, और उसकी जगह पे नया बोर्ड अपॉइंट किया किसने, गवर्नमेंट ने। इस न्यू अपॉइंटेड मैनेजमेंट या बोर्ड ने, ये न्यू अपॉइंटेड बोर्ड या मैनेजमेंट ने क्या बनाया है, एक स्कीम या प्लान बनाया है क्या करने का, कंपनी को रिवाइव करने का। और रिवाइवल के हिसाब से हम क्या करा रहे हैं, कंपनी का टेक ओवर करा रहे हैं। रिवाइव कैसे कर रहे हैं, हम टेक ओवर करा रहे हैं बाय अनदर कंपनी। तो अगर ये सरकमस्टांसेस हैं, अगर ये सरकमस्टांसेस है, तो सत्यम में जब फ्रॉड निकला तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सत्यम का बोर्ड हटा दिया, बोर्ड हटा के गवर्नमेंट ने अपना बोर्ड बैठा दिया। उस नए अपॉइंटेड बोर्ड ने क्या कहा कि हम सत्यम को रिवाइव करने का एक ही तरीका है कि सत्यम को उठा के बेच दो किसी और को, सत्यम को उठा के क्या कर दो, बेच दो किसी और को। टेक महिंद्रा ने बिडिंग लगा दी। अब टेक महिंद्रा एक्वायर कर रहा है, सत्यम टारगेट कंपनी है, दोनों ने मिलके या दोनों में से कोई भी जाके एप्लीकेशन लगा सकता है, और क्या कहेगा, सर एक्वायरर को एग्जम्प्ट कर दो, सर एक्वायरर को एग्जम्प्ट कर दो, किससे, रेगुलेशन 3, रेगुलेशन 4, ये जो ओपन ऑफर की ऑब्लिगेशन थी उसके ऊपर, उससे क्या कर दो, एग्जम्प्ट कर दो। सेबी कह रहा है कि पहले तीन कंडीशन बताओ, सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है। पहला, जो बोर्ड है वो गवर्नमेंट का अपॉइंटेड है, बोले जी बिल्कुल गवर्नमेंट का अपॉइंटेड बोर्ड है। दूसरा, जो नए अपॉइंटेड बोर्ड है उसी ने स्कीम और प्लान बनाया रिवाइवल का, जी बिल्कुल उसी ने प्लान बनाया रिवाइवल का। और तीसरा, रिवाइवल में ही क्या आया है कि कंपनी का टेक ओवर कराएंगे किससे, अनदर कंपनी से। अगर ये तीन चीजें हैं तो सेबी मना ही नहीं करेगा, सेबी मना ही नहीं करेगा ना, क्योंकि ये तो रिवाइवल स्कीम का पार्ट था। अब रिवाइवल स्कीम में इस तरह से है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह से मान लो किसमें है, आईबीसी में है। अगर मैं सेम इस तरह से एग्जांपल लू, आईबीसी, आईबीसी में क्या बना, सीओसी ने रेजोल्यूशन प्लान बनाया। अब इस रेजोल्यूशन प्लान में अगर रिवाइवल का क्या तरीका है कि कंपनी को क्या करा दिया जाए, कंपनी का टेक ओवर करा दिया जाए किससे, अनदर कंपनी से, तो यहां भी नो ओपन ऑफर। क्यों, खुद से कर रहा है वो, नहीं कर रहा खुद से। हाँ, सत्यम कंप्यूटर वाली कंपनी थी, सत्यम कंप्यूटर्स, यस यस, सत्यम कंप्यूटर्स वाली कंपनी है, उसके डायरेक्टर थे ना रजू रघु राम, पता नहीं क्या नाम था, राजू लिंगम ऐसे कुछ नाम था, वो साउथ का था। डन। तो अगर आज के टाइम पे आईबीसी, देखो सीओसी ने कोई रेजोल्यूशन प्लान बनाया, और रेजोल्यूशन प्लान में रिवाइव है, इसको अप्रूव किसने किया है, अप्रूव किया है एनसीएलटी ने। तो जब एनसीएलटी ने अप्रूवल दे दी, जब एनसीएलटी ने अप्रूवल दे दी, तो ओपन ऑफर की ऑब्लिगेशन की जरूरत है नहीं है, क्योंकि कंपनी का टेक ओवर ही तो कराया जा रहा है किससे, दूसरी कंपनी से, रिवाइवल प्लान के तहत। तो यहाँ पे गौर एसएबी को क्या लगा दो, एप्लीकेशन लगा दो। तो रेगुलेशन 11 आपकी डन हो गई है पूरी, ठीक है, आपको पता नहीं चला है लेकिन रेगुलेशन 11 हो गई है। रेगुलेशन 11 पे आ जाओ फटाफट से, रेगुलेशन 10 के बाद आएगी। देखो 10 कितनी बड़ी है, खत्म ही नहीं हो रही है। पेज नंबर 41, रेगुलेशन 11 एग्जम्पशन बाय सेबी। रेगुलेशन 11 एग्जम्पशन बाय सेबी द बोर्ड में, बोर्ड का मतलब कौन है, सेबी। तो बोर्ड क्या कर सकता है, बोर्ड में फॉर द रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग ग्रांट कर सकता है एग्जम्पशन फ्रॉम ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर फॉर एक्वायरिंग शेयर सब्जेक्ट टू कंडीशन। कि बोर्ड चाहे तो क्या कर सकता है, ग्रांट कर सकता है एग्जम्पशन, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एग्जम्पशन। इसीलिए इसे क्या बोला है, स्पेसिफिक एग्जम्पशन बोला है, लिख लेंगे ऊपर कहीं पे, ये क्या है, स्पेसिफिक एग्जम्पशन है।
इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा किसके पास, सेबी के पास. तो बोर्ड में फॉर द रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग, द बोर्ड में फॉर द रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग क्या कर सकता है, ग्रांट कर सकता है एग्जम्पशन फ्रॉम मेकिंग एन ओपन ऑफर फॉर एक्वायरिंग शेयर अंडर दीज रेगुलेशन सब्जेक्ट टू कंडीशन. कंडीशन क्या है, बोर्ड सेटिस्फाई होना चाहिए. बोर्ड डीम फिट टू इम्पोज इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटीज मार्केट. अगर बोर्ड को लग रहा है कि सिक्योरिटीज मार्केट के इंटरेस्ट में या सिक्योरिटीज मार्केट के लिए यही फायदेमंद है कि इस कंपनी का टेक ओवर करने दिया जाए किसी दूसरे को. अब बोर्ड क्या कर रहा है, बोर्ड कर रहा है ग्रांट रिलैक्सेशन किससे, फ्रॉम स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ चैप्टर 3 चैप्टर 4. वही आपकी ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन है चैप्टर 3-4 में. सब्जेक्ट टू कंडीशन एज अ बोर्ड डीम्ड फिट टू इम्पोज इन द इंटरेस्ट, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ. पहले बोर्ड क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए. अब सेटिस्फाइड क्या होना चाहिए, मैंने वो तीन कंडीशन आपको लगा दी. पहला कि बोर्ड क्या है, पहले वाला हटा दिया गया है, दैट मीन्स सुपरसीडेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. टारगेट कंपनी इज ए कंपनी जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या किसी रेगुलेटरी बॉडी ने सुपरसीड कर दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उसकी जगह पे क्या कर दिया है, अपॉइंट कर दिया है नए डायरेक्टर्स. उसकी जगह पे क्या कर दिया है, नए डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए हैं. और नए अपॉइंटेड डायरेक्टर्स ने क्या कराया है, एक प्लान बनाया है विच प्रोवाइड फॉर ए ट्रांसपेरेंट ओपन और कॉम्पिटिटिव प्रोसेस फॉर एक्विजिशन, दैट इज कॉल्ड बिडिंग. इसे ही मैं क्या कह सकता हूँ, बिडिंग कह सकता हूँ ना. कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इन्होंने क्या किया, फॉर्मुलेट किया है एक प्लान, और उस प्लान के हिसाब से क्या क्या करना पड़ेगा, उस प्लान के अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंट ओपन और कॉम्पिटिटिव प्रोसेस बनाई जाएगी किसी की टेक ओवर करने की, एक्वायर करने की शेयर्स, वोटिंग राइट और कंट्रोल, टू सिक्योर स्मूथ एंड कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ द टारगेट कंपनी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, एंड सच प्लान डज नॉट फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्वायरर. ये प्लान किसी एक पर्सन के फायदे के लिए नहीं है, ये प्लान हमने जो बनाया है ये सबके फायदे के लिए है. सच प्लान डज नॉट फर्दर इंटरेस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्वायरर. डन, सिंपल लिखा है, कुछ नहीं है. तो पहला क्या कह रहा है, बोर्ड सुपरसीडेड. तो ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा था, रिमूव कर दो पहले वाला बोर्ड और नया बोर्ड अपॉइंट कर दो. अब नए अपॉइंटेड बोर्ड ने प्लान बना दिया, और प्लान किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोसेस फॉर एक्विजिशन. कॉम्पिटिटिव प्रोसेस फॉर एक्विजिशन क्या होती है, बिडिंग होती है. फिर दूसरा क्या कह रहा है, कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोसेस. ये जो बिडिंग की प्रोसेस है, इसकी टर्म्स और कंडीशन रीजनेबल है और फेयर है. ठीक है, कंडीशन देखो, मैं अभी एक कंडीशन समझाता हूँ. भूषण स्टील लिमिटेड का आपका वो चल रहा था ना, भूषण स्टील लिमिटेड, अगर किसी को याद हो, BSL, भूषण स्टील लिमिटेड, इसका CIRP चल रहा था, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान. COC ने रेजोल्यूशन प्लान बनाया, रेजोल्यूशन प्लान था कंपनी को बेच देते हैं किसी और को. कंपनी को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं किसी और को. अब ये एक लिस्टेड एंटिटी थी, इसको इसकी बिडिंग होनी थी. तो बिडिंग में क्या बोला गया कि एलिजिबल बीडर कौन कौन हो सकता है, तो ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट रख दिया गया यहाँ पे कि ये लोग ही एलिजिबल है, इसके अलावा एलिजिबल नहीं. तो यहाँ पे बीडिंग लगी तीन, एक टाटा की बीडिंग थी, टाटा ने भी अपनी किसी फॉरेन होल्डिंग पता नहीं किसके थ्रू लगाई थी, डायरेक्ट टाटा की नहीं थी. एक JSL की थी, ये आपकी जिंदल स्टील लिमिटेड की बीडिंग थी, और तीसरी थी एक फॉरेन एंटिटी की, एक फॉरेन की कंपनी है इसकी बीडिंग थी. अब उसमें कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि जो बिडर होगा उसका इंडिया में बिजनेस या कुछ इस तरीके से था, मतलब कंडीशंस कुछ इस तरह से रखी गई थी. ये जो फॉरेन कंपनी थी ये इंडिया में ऑपरेट नहीं कर रही थी, तो इसे क्या कर दिया गया, इसकी बिडिंग को रिजेक्ट कर दिया गया. क्या कह के, कि तुम वो टर्म्स कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो. तो टर्म कंडीशन सिर्फ दो ही कंपनी फुलफिल कर रही थी, टाटा और JSL, और जहां टाटा आ जाए वहां किसी और को आने ही ना दे. ठीक है, क्योंकि इनकी बिडिंग ही इतनी ज्यादा होती है. तीसरा, जो प्रोसेस अडॉप्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ टारगेट कंपनी, जो नए अडॉप्टेड बोर्ड है, उन्होंने जो प्रोसेस अडॉप्ट करी है, प्रोवाइड फॉर डिटेल इंक्लूडिंग द टाइम व्हेन ओपन ऑफर फॉर एक्वायरिंग शेयर्स वुड बी मेड कंप्लीटेड एंड द मैनर इन विच चेंज इन कंट्रोल वुड बी इफेक्टिव. अब इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर ओपन ऑफर करना है तो वो कब होगा, कैसे होगा, ये भी बता दिया जाएगा, अगर करना हुआ तो. और नहीं करना हुआ तो सीधा सीधा एक्वायर कैसे करने शेयर्स, वो भी बता दिया जाएगा. सीधे सीधे कैसे एक्वायर करने शेयर्स, वो भी बता दिया जाएगा. तो ये इसके वजह से हम एग्जम्पशन मांग रहे हैं रेगुलेशन चैप्टर 3 और 4 की कंडीशन से.
The provision of chapter 3 or 4 are likely to act as an impediment to the implementation of plan of target company and exemption from strict compliance with one or more provision in the public interest, interest of investor in securities market and securities market. ये जो प्रोविजन है ये बेसिकली इम्पोर्टेंट प्रोविजन है जिनकी वजह से प्लान इंप्लीमेंट होता है, और अगर आपको एग्जम्प्ट कर दिया जाए इनकी कंप्लायंसी से तो ये सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में किया जाएगा और किसी तरह से नहीं किया जा सकता. डन. अब वो कह रहे हैं फॉर सीकिंग एग्जम्पशन, एग्जम्पशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टारगेट कंपनी को एप्लीकेशन लगानी है. द एक्वायरर शेल फॉर सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर सब रेगुलेशन टू द टारगेट कंपनी. कह रहे कि अगर एग्जम्पशन चाहिए सब रेगुलेशन वन से तो एक्वायरर को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, एंड फॉर सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर सब रेगुलेशन टू टारगेट कंपनी को क्या करना पड़ेगा, फाइल करनी पड़ेगी एप्लीकेशन विद द बोर्ड, एक एफिडेविट उसके साथ लगाना है, गिविंग डिटेल और डिटेल देनी है प्रपोज एक्विजिशन की एंड ग्राउंड जिस पे आप एग्जम्पशन मांग रहे हो. एक्वायरर अलोंग विद एप्लीकेशन क्या पे करेगा, नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ रुपीज 5 लाख बाय वे ऑफ डायरेक्ट क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट. ये सिंपल लिखा है. और सेबी चाहे तो रीजनेबल ऑपर्चुनिटी देने के बाद एक रीजन ऑर्डर पास करेगा, ग्रांट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है ये लिखते हुए, या रिलैक्सेशन दी जा रही है किसी एक चीज से, वो सारी चीजें. बोर्ड इसके लिए क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट बोर्ड की मदद करने के लिए. ऑर्डर जो होगा वो सेबी की वेबसाइट पर भी रखा जाएगा. ये जो एग्जम्पशन है ये आपको डिस्क्लोजर से नहीं है, डिस्क्लोजर तो अभी भी एप्लीकेबल है, डिस्क्लोजर तो अभी भी एप्लीकेबल ही रहेंगे, डिस्क्लोजर तो अभी भी एप्लीकेबल ही रहेंगे. डन. पूरा पढ़ लो एक बार फटाफट से, रेगुलेशन 11 पढ़ना एक बार फटाफट से. रेगुलेशन 11 चैप्टर 3 आपका स्टार्ट होता है रेगुलेशन 12 से. चैप्टर 4 है आपकी ऑब्लिगेशन, ठीक है. चैप्टर 3 है आपका ओपन ऑफर प्रोसेस और चैप्टर 4 है आपकी ऑब्लिगेशन. डन भाई, फटाफट से रिप्लाई करो. फटाफट से रिप्लाई करो. डन. ठीक है, अगर आपको रेगुलेशन 1 में एग्जम्पशन चाहिए, दैट मीन्स डायरेक्ट वाली एग्जम्पशन चाहिए, तो आप नॉर्मली अप्लाई करेगी कौन, देखो पहले पॉइंट के आगे लिख लो कौन अप्लाई करेगा. यहाँ एक्वायरर अप्लाई कर सकता है पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग, और दूसरे पॉइंट में जिसमें कंपनी के साथ ऐसी सिचुएशन आई है वहाँ पे टारगेट कंपनी अप्लाई करेगी. सेकेंड में एप्लीकेशन कौन लगाएगा, टारगेट कंपनी. पहले में एग्जम्पशन अभी नीचे आया ना,
पहले पॉइंट के हिसाब से एग्जम्पशन कौन मांगेगा? एक्वायरर। और सेकंड पॉइंट के हिसाब से एग्जम्पशन कौन मांगेगा? टारगेट कंपनी। दिया ना ये आपका थर्ड पॉइंट में, फॉर सीकिंग एग्जम्पशन अंडर सब रेगुलेशन वन। तो सब रेगुलेशन वन में एक्वायरर और सब रेगुलेशन टू में टारगेट कंपनी। इसको क्या लगानी पड़ेगी? एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। डन। रेगुलेशन 10 स्टार्ट करते हैं। अब इसे थोड़ा सा ध्यान से समझो। ठीक है, रेगुलेशन 10 पे आते हैं और इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि यही एग्जम्पशन इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत बार केस स्टडी आती है, बहुत बार केस स्टडी आती है। मैं पेपर की सारी केस स्टडी दिखाऊंगा तुम्हें जो एग्जम्पशन के ऊपर आई हुई है, रेगुलेशन 10 के ऊपर आई हुई है। कह रहे कि फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी टेक ओवर रेगुलेशन क्या था? इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना था, लेकिन रेगुलेशन में कुछ एग्जम्पशन भी दी गई हैं विदाउट डेविएटिंग फ्रॉम ऑब्जेक्टिव और बिना ऑब्जेक्टिव से डेविएटिंग। कि रेगुलेशन बनाने के पीछे पर्पज यही था कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, लेकिन हालांकि कुछ एग्जम्पशन भी दी गई है, लेकिन इन एग्जम्पशन से कहीं भी टेक ओवर का ये जो कोड है या टेक ओवर रेगुलेशन है इन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इनके ऑब्जेक्टिव पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो रेगुलेशन 10 है ऑटोमेटिक एग्जम्पशन। तो रेगुलेशन 10 प्रोवाइड कर रही है क्या? ऑटोमेटिकली एग्जम्पशन फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेकिंग ओपन ऑफर टू द शेयर होल्डर ऑफ टारगेट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एक्विजिशन सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ सर्टेन कंडीशन स्पेसिफाइड देयर। लेकिन कुछ कंडीशन है वो स्पेसिफाई करने के बाद। रेगुलेशन 11 ये अभी अभी आपने पढ़ लिया, तो फटाफट से पढ़ दो ये पैराग्राफ। कि रेगुलेशन 11 एक्वायरर को कह रहा है कि आप अप्लाई कर लो फॉर अवेलिंग द एग्जम्पशन फ्रॉम ओपन ऑफर, और टारगेट कंपनी भी अप्लाई कर सकती है फ्रॉम स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट थी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, मैंने पहले ही कहा। अब रेगुलेशन 10 की एग्जम्पशन दी गई है, रेगुलेशन 10 की एग्जम्पशन दी गई है। अब 10 में क्या है? 10(1)(a) ये आपका थोड़ा सा दिमाग खराब करेगा। 10(1)(b) बड़ा आसान सा है, उसके बाद वाले काफी आसान है, सिर्फ एक एक और आएगा जो कॉम्प्लिकेटेड आएगा। एक ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा और एक और एक कॉम्प्लिकेटेड, बाकी बिल्कुल आसान है। आसान इन द सेंस दिए बहुत सारे गए हैं वो नो डाउट, लेकिन आसान बहुत है। तो रेगुलेशन 10 वन ए क्या कह रहा है? द एक्विजिशन एग्जम्प्ट है किससे? ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर अंडर रेगुलेशन 3 रेगुलेशन 4। अच्छा ये भी याद रखना एग्जम्प्शन किस किस से है। कहीं आएगा सिर्फ रेगुलेशन 3 से एग्जम्प्शन है, कहीं आएगा सिर्फ रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 से एग्जम्प्शन है, कहीं आएगा रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 से एग्जम्प्शन है बट 4 से नहीं है, और कहीं आएगा 4 से एग्जम्प्शन है बट 3 से नहीं है। तो ये एग्जम्प्शन आपको याद रखना है कि 10(1)(a) एग्जम्प्शन किससे है? दोनों से। ये याद रख लेना ऊपर लिख के कि 10(1)(a) के आगे लिख लो एग्जम्प्शन रेगुलेशन 3 से भी है और रेगुलेशन 4 से भी है। यानी रेगुलेशन 3 में फॉल करोगे तो भी ओपन ऑफर नहीं देना, रेगुलेशन 4 में फॉल करोगे तो भी ओपन ऑफर नहीं देना। अब ये एक्विजिशन है क्या? कह रहे कि अगर कोई एक्विजिशन हो रहा है पर्सन टू इंटरस्टेट ट्रांसफर अमंगेस्ट द क्वालिफाइंग पर्सन। अब दो चीजें आ गई, बोले इंटरस्टेट ट्रांसफर लिख दिया और दूसरा क्या लिख दिया? क्वालिफाइंग पर्सन लिख दिया। एक तो क्या लिख दिया? इंटरस्टेट ट्रांसफर, और दूसरा क्या लिख दिया? क्वालिफाइंग पर्सन। अब मुझे पहले क्या समझना पड़ेगा क्वालिफाइंग पर्सन क्या है? इंटरस्टेट ट्रांसफर का मतलब तो सीधा सीधा है आपस में ट्रांसफर करना है, कि ए ने बी को शेयर दे दिया, ये आपस में ट्रांसफर हो गया इनका, मार्केट में जाके नहीं बेच रहे, ए सीधा जाके किसको बेच रहे? बी को शेयर दे रहा है, दैट मीन्स इंटरस्टेट ट्रांसफर। तो बोले चल तो सर इंटरस्टेट तो सुलझ गया, अब क्वालिफाइंग पर्सन सुलझाते हैं कौन है। अब क्वालिफाइंग पर्सन एक नहीं है, क्वालिफाइंग पर्सन ही तुम्हें उलझा के रखेगा। बोले 5 तरह के लोग हैं क्वालिफाइंग पर्सन में, ठीक है? क्वालिफाइंग पर्सन में कितने लोग हैं? 5 तरह के लोग बैठाए गए हैं जो क्वालिफाइंग पर्सन कहलाते हैं। पहला गया है जिसमें आपसे रिश्तेदार है, इमीडिएट रिलेटिव है। दूसरा गया फिर वो कह रहे हैं प्रमोटर्स है। तीसरा क्या कह रहे हैं? पीएसी है। चौथा क्या कह रहे हैं? बोले कॉमन शेयर होल्डर, तुम्हारे शेयर होल्डर मेरे शेयर होल्डर एक जैसे है। देखो हम किसी को कह रहे हैं तुम्हारे शेयर होल्डर मेरे शेयर होल्डर एक जैसे हैं, तो हम दोनों क्या हो गए? आपस में हो गए रिश्तेदार हो गए हम, ठीक है? वो नहीं हो गया दूर की रिश्तेदारी हो गई है, तो सही रिश्तेदारी लेकिन दूर की रिश्तेदारी है, मतलब कुछ लोग तुम्हारे कॉमन तो कुछ लोग मेरे कॉमन है, वो म्यूचुअल फ्रेंड जैसे हो गए, तो म्यूचुअल फ्रेंड की वजह से एक दूसरे को जानते हैं। तो बोले तू इसको कैसे जानता है? बोले मेरा दोस्त इसका दोस्त है। बोले तू इसको कैसे जानता है? बोले मेरा दोस्त इसका दोस्त है। वो ये म्यूचुअल वाली अंडरस्टैंडिंग आएगी, अभी आएगी यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले क्या घुसाए?
बोले इमीडिएट रिलेटिव, इमीडिएट रिलेटिव का मतलब बोले जो तुम्हारे बिल्कुल करीब के रिश्तेदार है। करीबी रिश्तेदार कौन है? ऊपर जाए तो ऊपर वाली जनरेशन, नीचे जाए तो नीचे वाली जनरेशन, साइड वाली जनरेशन, बस इतना ही है, इसके बाद नहीं है। इमीडिएट रिलेटिव का मतलब क्या है? इमीडिएट रिलेटिव का मतलब ये हूं मैं, ठीक है, ऊपर है फादर मदर, नीचे है सन डॉटर, बगल में है ब्रदर सिस्टर, और इस साइड अकेली है वाइफ है ना, ना इमीडिएट रिलेटिव, ठीक है। ऊपर दादा दादी नहीं लिए वाइफ के, तो कहां से लेंगे, ऊपर वाले नहीं लिए दादा दादी, ठीक है। अब लेकिन डेफिनेशन में देखो कौन कौन है, ठीक है। अब स्पाउस के लेने पड़ेंगे तुम्हें। अब पहली चीज देखो क्या बोली, अगर इंटरस्टेट ट्रांसफर हो रहा है अमंग अस, पर्सन हु आर इमीडिएट रिलेटिव वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग द ओपन ऑफर, कि अगर कोई इंटरस्टेट ट्रांसफर हो रहा है किसके बीच में, अमंग अस द पर्सन हु आर इमीडिएट रिलेटिव वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग एन ओपन ऑफर। अब ट्रांसफर किस चीज के बीच में हो रहा है, देखो स्पाउस, चाइल्ड, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट ऑफ स्पाउस, यानी अपने पेरेंट्स भी आएंगे और फिर वाइफ के पेरेंट्स भी आएंगे, ठीक है, अपने तो है ही और वाइफ के भी क्या आएंगे, पेरेंट्स। फिर कह रहे हैं ब्रदर और सिस्टर ऑफ हिज स्पाउस। अब इससे क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, वाइफ को आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है, तो वाइफ का इधर वाला फैमिली भी कवर कर दिया, दैट मीन्स ये एक ट्री टाइप है जो छोटा सा ट्री है, मतलब मैं पहले मैं अकेला था, तो अकेला था तो मेरे इधर वाले रिश्तेदार, बोले वाइफ आ गई तो बोले वाइफ के रिश्तेदार के, अच्छा वाइफ के नीचे भी सन डॉटर बनाओगे, कॉमन हो गए तो चलो दोनों के फिर वो निशान तो लगाने पड़ेंगे सर, है लो भाई डन, ठीक है, बना लो ये फटाफट से, आई की जगह एक्वायरर लिख लेना, एक्वायरर और एक्वायरर की वाइफ, वही बना लो छोटा सा, छोटा सा ही है, मैं आ जाएगा, ये तो यहाँ ज्यादा बड़ा लगता है, वैसे तो छोटा सा ही है, डन भाई। तो मान लो विक्रम शेयर एक्वायर कर रहा है, तो विक्रम की वाइफ, विक्रम के बच्चे, विक्रम के फादर मदर, ब्रदर सिस्टर विक्रम के, विक्रम का साला, विक्रम की साली, दैट मीन्स वाइफ के ब्रदर सिस्टर, तो ये क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है भाई। विक्रम अगर विक्रम क्या कर रहा है, शेयर एक्वायर कर रहा है, विक्रम क्या है, एक्वायरर है, तो एक्वायरर की वाइफ, एक्वायरर के फादर मदर, वाइफ के फादर मदर, एक्वायरर के ब्रदर सिस्टर, वाइफ के ब्रदर सिस्टर और दोनों के बच्चे, ये क्या है, एग्जम्प्ट है, ये क्या है, एग्जम्प्ट है। अब यू मत कह देना सर एक ही बेटा हो तो आपने तो डॉटर भी बना दी, डन भाई। तो ये कह रहे हैं इंटर से ट्रांसफर अगर हो रहा है किसके बीच में, इमीडिएट रिलेटिव के बीच में, तो वो एग्जाम्प्ट है। अब सेकंड पॉइंट के आगे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि कौन कौन आएगा इमीडिएट रिलेटिव में, कौन कौन आएगा इमीडिएट रिलेटिव में। तीसरा क्या कह रहा है कि तीसरे में फिर उसने एग्जाम्पल टाइप दे दिया, क्या एग्जाम्पल दिया, इसका मतलब ग्रैंड फादर से अपने ग्रैंड सन को कुछ मिल रहा है, या अपने अंकल से अपने नेफ्यू को कुछ जा रहा है, या नीस को कुछ जा रहा है, तो ये एग्जाम्प्ट नहीं है, ये एग्जाम्प्ट नहीं है। तो चाचा चाची से, ताया ताई से कुछ मिल रहा हो तो ये एग्जाम्प्ट नहीं है, बाकी रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, हाँ कोई नहीं, ठीक है। बेसिकली कहा जाता है ना, ये वो रिश्तेदार है जो घर में रहते हैं आपके, ठीक है, और वाइफ वालों को तो आप भूल नहीं सकते ना, वहां से तो डर लगता है आपको, डन भाई। इंटर से ट्रांसफर इमीडिएट रिलेटिव के बीच में एग्जाम्प्ट है, कौन कौन आता है वो हमने देख लिया, और उसने एक एग्जाम्पल भी दे दिया कि अगर किससे किसको जा रहा है, ग्रैंडफादर से ग्रैंडसन को एग्जाम नहीं है,
अंकल से नेफ्यू को नाइस को जा रहा है, एग्जाम्प्ट नहीं है। सिमिलरली अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है ए पर्सन टू हिज ब्रदर वाइफ और सिस्टर हस्बैंड, तो ये भी एग्जाम्प्ट नहीं है। अब ये एग्जाम्पल इसने पता है ये वाले क्यों दिया है, तुम कंपनी लॉ से कंफ्यूज ना हो जाओ, तुम कंपनी लॉ से कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए दिया क्योंकि कंपनी लॉ में ये चीजें आ रही थी, ब्रदर का ब्रदर की वाइफ सिस्टर के हस्बैंड आ रहे थे कंपनी लॉ के हिसाब से, और कंपनी लॉ के हिसाब से तो सन की वाइफ भी आ रही थी, बट ये सन की वाइफ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली एनी ट्रांसफर फ्रॉम ए पर्सन टू हिज ब्रदर वाइफ और सिस्टर हस्बैंड, और वहां पे क्या था, कंपनी लॉ में था सन की वाइफ और डॉटर का हस्बैंड, ठीक है। तो ये एग्जाम वहां पे थे कंपनी लॉ के हिसाब से, थे यहाँ के हिसाब से नहीं है। डन भाई, पहला पॉइंट इमीडिएट रिलेटिव के बीच में। अभी हम क्वालिफाइंग पर्सन पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला क्वालिफाइंग पर्सन कौन है, पहला क्वालिफाइंग पर्सन है इमीडिएट रिलेटिव। पहला क्वालिफाइंग पर्सन कौन आ गया, इमीडिएट रिलेटिव आ गया। तो एक डायग्राम टाइप बनाएंगे हम बाद में, ठीक है, मैं तो साथ के साथ बना लेता हूँ सर। क्वालिफाइंग पर्सन का डायग्राम बनाएंगे, क्वालिफाइंग पर्सन पहला हमने पढ़ लिया, कौन है, इमीडिएट रिलेटिव। इमीडिएट रिलेटिव में कौन कौन आएगा ये भी लिखना है, ठीक है, यहाँ लिख लेना इमीडिएट रिलेटिव में कौन कौन आएगा। तो ऐसा एक डायग्राम बनाना शुरू करो, जगह छोड़ते जाओ, 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, जो भी है, ठीक है, उसके हिसाब से जगह छोड़ते जाओ। दूसरा क्वालिफाइंग पर्सन कौन है, बोले ट्रांसफर बिटवीन क्या है, प्रमोटर्स। पहला इमीडिएट रिलेटिव है, दूसरा क्या है, प्रमोटर्स है। अब इसको पढ़ लेते हैं, प्रमोटर्स क्या है, बोले प्रमोटर कौन है, बोले जो 3 साल से प्रमोटर है वो प्रमोटर है, 3 साल से प्रमोटर है, प्रमोटर है, क्या कह रहे हो सर, लास्ट 3 ईयर्स में जो डिस्क्लोजर गए हैं, किसके हिसाब से डिस्क्लोजर गए, SASC रेगुलेशन। बताओ प्रमोटर कौन सा डिस्क्लोजर करता था, प्रमोटर कौन सा डिस्क्लोजर करता था, एनुअली, एनुअली प्रमोटर कौन सा डिस्क्लोजर करता था, बताना भाई फटाफट से। एक SASC में होता है और दूसरा होता है LODR, जहां पे शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्क्लोज किया जाता है, और इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में बताया जाता है प्रमोटर कौन है और पब्लिक, कितना प्रमोटर के पास है, कितना पब्लिक के पास है, और कौन प्रमोटर है, कौन पब्लिक है, ये भी बताया जाता है। डन, बता दो फटाफट से, नलायकों चल ही नहीं रहे इनसे कीबोर्ड, आलसी हो गए। नलायक नेहा एनवल बोला है प्लेज इन्वोकेशन वाला, एनुअल कैसे पता चलेगा पिछले 3 साल से कोई प्रमोटर है, तो एनुअल डिस्क्लोजर किया था उसने कहां पे, रेगुलेशन 30 सब रेगुलेशन 2, वट एवर शेयर होल्डिंग प्रमोटर की एज ऑन 31 मार्च क्या है, वट एवर शेयर होल्डिंग है, 7 दिन के 7 वर्किंग डेज में क्या करना था, डिस्क्लोजर करना था। तो हर साल प्रमोटर क्या कर रहा है, डिस्क्लोज कर रहा है, तो पिछले 3 साल की डिस्क्लोजर उठा के देखी, बोले एक मिस्टर ए है सर, हर साल डिस्क्लोज करता है, मैं प्रमोटर, मैं प्रमोटर, मैं प्रमोटर, बोले इसे क्या मान लो, प्रमोटर मान लो, बोले अच्छा दूसरा, बोले LODR की लिस्ट निकालो, LODR में हर साल क्या होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइल होता है, उसके हिसाब से जो लोग क्या मिल जाएंगे, प्रमोटर मिल जाएंगे, उन्हें क्या मान लिया जाएगा, प्रमोटर, ठीक है। तो देखो क्या दिया गया है, रेगुलेशन 31 ऑफ सेबी LODR और रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी SASC रेगुलेशन, दोनों याद रखनी है, दोनों ही याद रखनी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो फाइल किया है टारगेट कंपनी ने, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो फाइल किया है टारगेट कंपनी ने रेगुलेशन 31 में, और जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग फाइल हुई है रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी SASC रेगुलेशन 2011 फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर्स प्रियोर टू द प्रपोज एक्विजिशन, तो पिछले 3 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लो, पिछले 3 साल में जो लोग क्या मिलेंगे, पिछले 3 साल में जो लोग प्रमोटर मिलेंगे, और अगर ये प्रमोटर क्या कर रहे हैं, आपस में शेयर्स की लेन देन कर रहे हैं, टारगेट कंपनी एक ही है, कभी टारगेट कंपनी बदल देना लायक, ठीक है। तो टारगेट कंपनी है, टारगेट कंपनी में मिस्टर ए कह रहा है मैं प्रमोटर, मिस्टर बी कह रहा है मैं प्रमोटर, आपस में इंटर से ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है, अदला बदली कर रहे हैं, बोले ये वाले शेयर अच्छे, वो घर में नहीं होती लड़ाई हो जाती है, तो बोले वो मम्मी क्या लाई है, चीज लेके आई है कोई,
और तुम्हें क्या है वो, मान लो एक आइसक्रीम लगा लो, मम्मी ने दो आइसक्रीम लेके आए, एक ऑरेंज वाली एक मैंगो वाली, तो तुम्हें क्या है वैसे मैंगो पसंद है, लेकिन भाई को ऑरेंज वाली देख के तुम्हें मुंह में पानी आ गया, और तुमने क्या कहा मुझे तो वो वाली खानी है। अब अगर दोनों समझदार हो गए तो क्या करोगे, आधी आधी खा लोगे, बोले तू आधी मेरे साथ खा ले, मैं आधी तेरे साथ खा लूंगा, और तुम अगर नालायक हो गए तो लड़ाई करोगे और क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे। ठीक है, हो सकता है सामने वाले का मन हो कि भाई आज उसे मैंगो खानी है, तो वो इजीली बदल लेगा, बोले ला ला दे दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लड़ाई हो गई तो बड़ी खतरनाक वाली होगी। फिर हो सकता है आइसक्रीम के साथ साथ जूते चप्पल भी मिले तुम्हें खाने को, दोनों खा लेंगे, नालायक ऐसी लगती नहीं है ना यार। ठीक है, हो सकता है जूते चप्पल पहले खाने को पड़े फिर बाद में आइसक्रीम खाने को मिले, ऐसा भी हो सकता है। लड़ाई तो होगी, पल्लवी कह रही है, पल्लवी कह रही है ऐसे कैसे एक्सचेंज कर ले। हाँ ठीक है, हो सकता है तुम्हारे पहले जूते चप्पल पड़े हो, तुम्हें देख के तो यही लगता है। ठीक है, जैसे जवाब आ रहे हैं वैसे वैसे ही होगा। इंटर से ट्रांसफर अगर किसके बीच में हो रहा है, प्रमोटर्स के बीच में हो रहा है। अब क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है ये प्रमोटर जाने, लेकिन हमारा टॉपिक ये है कि अगर एक इंटर से ट्रांसफर हो रहा है किसके बीच में, अमंगेस्ट पर्सन नेम्ड एज प्रमोटर, ये वर्ड याद रखने पड़ेंगे, अमंगेस्ट पर्सन नेम्ड एज प्रमोटर, दोनों खाने का मन हो तो बताया ना विक्रम, फिर म्यूचुअल कंसेंट है, आधी तू खा ले आधी मैं खा लेता हूँ, आधी मेरे वाली तू खा ले आधी तेरे वाली मैं खा लेता हूँ, एक चम्मच तू दे दे एक चम्मच मैं दे दूंगा। है? नहीं होता है, क्यों नहीं होता, नहीं बिल्कुल होता है, नहीं कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो आपका सिंपल सी चीज है, दोनों खाने का मन है, तो आप क्या करोगे, थोड़ी सी यही कहोगे, उसको ऑफर दोगे, बोले आधी तो आधी दे दे खाने के लिए, आधी मैं दे दूंगा खाने के लिए, तो मान जाते हैं, ऐसी कोई बात थोड़ा है। कम ज्यादा तो फिर थोड़ी बहुत तो लड़ाई होगी, तो लड़ाई होना तो लाजमी है। डन भाई, पहला पहला क्वालिफाइंग पर्सन, दूसरा अमंगेस्ट नेम प्रमोटर, तो सेकंड निकलेंगे ना, वो जो डायग्राम बड़े वाला बना रहे थे कहाँ गया गायब हो गया, अरे कहाँ बना दिया, भगवान मिल ही नहीं रहा, कहाँ बना दिया ये रहा। ठीक है, तो लिखाएंगे अमंगेस्ट नेम्ड प्रमोटर, लेकिन ये याद रखना है पिछले 3 साल से होना चाहिए प्रमोटर, कंडीशन है यहां पे, कंडीशन क्या होना चाहिए, लास्ट 3 ईयर से प्रमोटर। और कैसे पता चलेगा, दो चीजों से पता चलेगा, एक एलओडीआर से पता चलेगा और एक एससीएसटी से पता चलेगा, दोनों के हिसाब से। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न या तो उसके हिसाब से या उसके हिसाब से, दोनों चेक कर लेंगे, जिसके हिसाब से आप प्रमोटर निकल गए आपको कर दिया जाएगा। इन अदर वर्ड, बोर्ड ट्रांसफर और ट्रांसफर, सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, इन अदर वर्ड का मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखा है, बोथ द ट्रांसफर और ट्रांसफर ही मस्ट हैव हेल्ड शेयर्स इन द कंपनी एज ए प्रमोटर फॉर ए कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ 3 ईयर्स प्रियोर टू द डेट ऑफ प्रपोज एक्विजिशन, कि एक्विजिशन करने से पिछले 3 सालों में प्रमोटर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अब आगे कंपनी की रिश्तेदारी, पहले किसकी रिश्तेदारी आई थी, एक्वायरर की रिश्तेदारी आई थी, एक्वायरर मतलब पहले इंडिविजुअल की रिश्तेदारी आई थी। अब कंपनियों में रिश्तेदारी क्या होती है, होल्डिंग सब्सिडरी होती है ना, कंपनियों में रिश्तेदारी क्या होती है, होल्डिंग सब्सिडरी होती है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है किसके बीच में, होल्डिंग सब्सिडरी फेलो सब्सिडरी, किस किसके बीच में ट्रांसफर हो रहा है, होल्डिंग सब्सिडरी फेलो सब्सिडरी, यानी कंपनी की होल्डिंग पेरेंट कंपनी, कंपनी की सब्सिडरी बच्चे और कंपनी की फेलो सब्सिडरी भाई बहन, तो यही हुआ ना, फेलो सब्सिडरी मतलब कंपनी की बहन, तो साथ वाली सब्सिडरी दूसरी मतलब होल्डिंग की, होल्डिंग की दूसरी कंपनी, दैट इज फेलो सब्सिडरी। तो ये क्या कह रहा है कि अगर इंटर से ट्रांसफर हो रहा है किसके बीच में, होल्डिंग सब्सिडरी
सब्सिडरी फेलो सब्सिडरी, तो मतलब कंपनी ने अपनी होल्डिंग कंपनी को दे दिया एग्जाम, कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी को दे दिया एग्जाम, कंपनी ने अपनी फेलो सब्सिडरी को दे दिया एग्जाम, या इनसे ले लिए तो भी एग्जाम, ठीक है, सिंपल दे रखा है भाई। मैं एक्वायरर हूं, मैंने अपनी होल्डिंग कंपनी को शेयर दे दिए एग्जाम, होल्डिंग कंपनी से शेयर ले लिए एग्जाम, सब्सिडरी को दे दिए एग्जाम, सब्सिडरी से ले लिए एग्जाम, फेलो सब्सिडरी को दे दिए एग्जाम, फेलो सब्सिडरी से ले लिए एग्जाम। अब इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया, वो एग्जाम्पल समझो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। कह रही एक टारगेट कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है सर, एक ए लिमिटेड टारगेट कंपनी है, शेयर होल्ड कर रखे बी लिमिटेड ने जो सब्सिडरी है सी की, सॉरी बनाना पड़ेगा ये तो, ए लिमिटेड क्या है, ये हमारी क्या टारगेट कंपनी है, इसको अलग बिठाओ। सर बी क्या है, बी सब्सिडरी है सी की, बी लिमिटेड क्या है, सब्सिडरी है किसकी, सी लिमिटेड की, यानी सी ऊपर आएगी ना, बी लिमिटेड तो सब्सिडरी है सी की, तो सी ऊपर आएगी, और सी की दो और सब्सिडरी है वाई और जेड, मतलब बी भी नहीं है सिर्फ, वाई भी है और जेड भी है, तो सी की तीन सब्सिडरी हो गई। फर्दर बी की भी सब्सिडरी है पी एंड क्यू, तो सर बी के भी नीचे बना दो, एक पी बना दो और एक क्यू बना दो, तो अच्छा ये सब कुछ है। अच्छा बी ने होल्ड कर रखे हैं शेयर, ठीक है बी की होल्डिंग है, अब ट्रांसफर हो रहा है उन शेयर्स का जो किसके पास है, बी के पास है, बी लिमिटेड ने क्या कर रखे हैं, होल्ड कर रखे हैं शेयर्स किसके, ए लिमिटेड के, दैट इज टारगेट कंपनी के। अब अगर बी लिमिटेड ट्रांसफर कर रहा है या उसे मिल रहे हैं, दोनों चीजें हैं, एनी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय बी लिमिटेड इन टारगेट कंपनी टू होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी और अदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी वाई एंड जेड वुड बी एग्जेम्प्टेड। तो अब क्या कर रहा है, बी लिमिटेड खुले दिल का मालिक है, ये पैसे लुटा रहा है बेसिकली, कैसे कनेक्ट कर लो, बोले पैसे है इसके पास, तो इसे किसको दे दिए, सी को दे दिए, इसे बी को दे दिए, इसे एक्स को दे दिए, जो वाई को दे दिए, जेड को दे दिए, बी को दे दिए, सी क्यू को दे दिए। तो अगर बी ट्रांसफर कर रहा है किसके साथ, अपनी होल्डिंग के साथ, होल्डिंग की दूसरी सब्सिडरी के साथ और अपनी सब्सिडरी के साथ, तो बोले ये ट्रांसफर एग्जम्प्ट है। अगर ट्रांसफर हो रहा है किससे, बी लिमिटेड से, बी लिमिटेड अगर ट्रांसफर कर रही है इस तरह की सारी चीजें, किसको, अपनी पेरेंट कंपनी को, अपनी सब्सिडरी को, फेलो सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी को, तो ये ट्रांसफर भी क्या है, एग्जम्प्ट है। डन भाई, दो पॉइंट हो गए, सॉरी तीन पॉइंट हो गए, दो चीज हो गए, तो तीसरा बना लेंगे। तीसरा क्या कह रहा है, ट्रांसफर अमंगेस्ट होल्डिंग सब्सिडरी फेलो सब्सिडरी। तो अगर कोई ट्रांसफर किया जा रहा है होल्डिंग कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी को, फेलो सब्सिडरी को, ट्रांसफर क्या हो रहा है वो कॉमन है हर जगह, टारगेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या कॉमन है, टारगेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो कॉमन है, वो नहीं बदलेगा। फिर क्या कह रहे हैं, अगर इंटर से ट्रांसफर हो रहा है अमंग एस होल्डिंग सब्सिडरी फेलो सब्सिडरी एग्जाम्ट है सर, पहली लाइन पढ़ देना, यही लिखा है, एनी इंटर से ट्रांसफर अमंग एस ए कंपनी इट्स सब्सिडरी होल्डिंग और इट्स अदर होल्डिंग कंपनी इज अ एग्जाम्ट। नेक्स्ट, इंटर से ट्रांसफर ही हो रहा है, पांच चौथा इंटर, ये मतलब ये जो आपका थर्ड पॉइंट है इसके तीन पॉइंट है, ये जो आपका थर्ड पॉइंट है इसके तीन पॉइंट है, इंटर से ट्रांसफर हो रहा है उन पर्सन के बीच में जो होल्ड कर रहे हैं नॉट लेस देन 50% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी। कह रहे सर क्या हो रहा है, इंटर से ट्रांसफर किसके बीच में, उन पर्सन के बीच में जो होल्ड कर रहे हैं नॉट लेस देन 50% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी। कितना होल्ड कर रहा है, 50% इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी। एग्जाम्पल समझना, जल्दी समझ में आएगा। इन टारगेट कंपनी ए लिमिटेड मोर देन 25% इज हेल्ड बाय बी लिमिटेड, मतलब बी लिमिटेड ने क्या कर रखा था ओपन ऑफर देने के बाद, और कितने परसेंट एक्वायर कर रखे थे, मोर देन 25%। अब ये शेयर्स ट्रांसफर करने हैं बिना टेक ओवर ऑब्लिगेशन आए तो कैसे करेंगे, बोले वन ऑप्शन इज अवेलेबल इज टू लुक एट द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ बी लिमिटेड, एंड इन दिस केस इफ 75% इज हेल्ड बाय सी देन शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड
which is held by B Limited can be transferred to C who hold more than 50% of its stake. ठीक है, अब समझना क्या है, अगर इंटर से ट्रांसफर कर रहे हैं कौन एक्वायरर, एक्वायरर क्या है कंपनी है, एक्वायरर बीइंग ए कंपनी होल्डिंग, और एक्वायर क्या कर रहा है होल्ड कर रहा है टारगेट कंपनी के कितने शेयर्स कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो एक्वायरर का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखो, एक्वायरर का क्या देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में जिस दिन मोर देन 50% होल्ड कर रखा है, तो अगर एक्वायरर इसको क्या कर रहा है शेयर ट्रांसफर कर रहा है किसके किसके टारगेट कंपनी के, तो ये ट्रांसफर एग्जम्प्ट है। देखो सिंपल समझो, हमने ऊपर क्या कहा होल्डिंग सब्सिडरी फेलो सब्सिडरी एग्जाम्पल है, ट्रांसफर हो रहा है किससे कंपनी से अपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट को, इसका मतलब कंपनी ट्रांसफर कर रही थी उसको जिसे मोर देन 50% शेयर होल्ड कर रखे थे टारगेट कंपनी, सब्सिडरी जिसके उसने होल्ड कर रखे थे, फेलो सब्सिडरी जिसके उसके पेरेंट कंपनी ने होल्ड कर रखे थे, मतलब एक कंपनी क्या कर रही थी अपनी फेलो सब्सिडरी जिसका लो में एक नाम है उसे दे रही थी। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि ये जो कंपनी है यानी एक्वायरर है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से कोई पर्सन है नॉट कंपनी, कंपनी होती तो होल्डिंग हो जाती, कंपनी होती तो होल्डिंग हो जाती, कंपनी नहीं होल्ड कर रही है कोई पर्सन होल्ड कर रहा है कितना मोर देन 50%, ऊपर वाला ही है ये, सिर्फ ऊपर वाले में क्या था नाम था होल्डिंग कंपनी, नीचे वाले में क्या लिखा है बोले कंपनी नहीं है कौन है पर्सन है, ऊपर वाले में भी तो यही कह रहा था बोले कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा बोले देखा बोले कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी है सर बिल्कुल है कंपनी की होल्डिंग कंपनी, कोई कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है बोले बिल्कुल कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, फेलो सब्सिडरी बोले ये तो सर होल्डिंग कंपनी से पूछना पड़ेगा क्योंकि उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना पड़ेगा, तो बोले अच्छा इनको ट्रांसफर कर दिया तो क्या है एग्जाम्ट है, फिर क्या बोला बोले वो पर्सन जिसने होल्ड कर रखे हैं 50% शेयर किसके कंपनी के नॉट टारगेट कंपनी के, कंपनी के कंपनी का मतलब एक्वायरर जिसने एक्वायरर के मोर देन 50% शेयर होल्ड कर रखे हैं और एक्वायरर उसको टारगेट कंपनी के शेयर दे रहा है तो ये ट्रांसफर एग्जम्प्ट है, ये ट्रांसफर एग्जम्प्ट है। पहले तुम क्या समझो इसकी हेडिंग समझो, पहले इसकी हेडिंग समझो, हेडिंग समझ में आएगी तो ही आगे कुछ फिर बढ़ेंगे। देखो इंटर से ट्रांसफर हो रहा है आपस में ट्रांसफर टू पर्सन होल्डिंग नोट लेस देन 50% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी का मतलब यहां पे एक्वायरर से है, कंपनी का मतलब क्या है एक्वायरर से, तो एक्वायरर के होल्ड कर रखे हैं मोर देन 50% शेयर्स कुछ पर्सन ने अकेले या मिलके, और अब अगर एक्वायरर क्या कर रहा है अब अगर एक्वायरर ट्रांसफर कर रहा है किसके शेयर्स होल्डिंग का सॉरी टारगेट कंपनी के शेयर्स किनको इन पर्सन्स को, कौन से पर्सन जिन्होंने होल्ड कर रखा है मोर देन 50% एक्वायरर का, तो ये ट्रांसफर एग्जम्प्ट है। तो वो तो बनेंगे नहीं मोर देन 50% कितने होंगे, एग्रीगेट नहीं कहा ना उसने, तो एनी ट्रांसफर अमंगेस्ट पर्सन हु होल्ड नॉट लेस देन 50% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी विच होल्ड अवर शेयर्स इन ए टारगेट कंपनी, तो विच होल्ड का मतलब एक्वायरर जो होल्ड कर रहा था टारगेट कंपनी वुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम मेकिंग रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग ए पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर द ओपन ऑफर। डन भाई, क्लियर है, बताओ भाई फटाफट से, अब एक लास्ट रह गया बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। बाकी रिप्लाई करो भाई फटाफट से, ठीक है ठीक।
पर्सन में कौन कौन आएगा? इंडिविजुअल आएगा, सीधी सी बात है। इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ट्रस्ट, सोसाइटी, कुछ भी हो सकता है। पर्सन की डेफिनेशन दी नहीं गई है। पर्सन में तो फिर कोई भी हो सकता है ना, ट्रस्ट, सोसाइटी, बट कंपनी नहीं होगी, क्योंकि कंपनी होती तो फिर होल्डिंग सब्सिडरी वाला रिलेशन आ जाएगा। पर्सन दिया, इसका मतलब पर्सन को हम ट्रस्ट, सोसाइटी, इनसे कंसिडर जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसने डेफिनेशंस नहीं दी यहाँ पर पर्सन की। ठीक है, उसने जो एग्जांपल दिया उसमें भी इंडिविजुअल कंसीडर किया है, हेल्ड बाय सी। नेक्स्ट है इंटर से ट्रांसफर टू अदर कंपनीज, इन विच सच पर्सन होल्ड नॉट लेस देन 50% ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड देयर सब्सिडरी। ये और घपला है। क्या कह रहे हैं? कह रहे कंपनी को, मतलब एक्वायरर, एक्वायरर बीइंग ए कंपनी, बोले एक्वायरर को, बोले बोले तेरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख। इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, बोले ए बी सी शेयर होल्डर निकले, फिर बोले कि एक और कंपनी है और इसमें भी कौन है, शेयर होल्डर ए बी सी है और मोर देन 50% होल्ड कर रहे हैं। अब अगर तू इसको शेयर देगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि तेरे भी शेयर होल्डर यही है और इसके भी शेयर होल्डर यही है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ये है। एग्जाम्पल देखो, दिखाते हैं, फिर उसके बाद और अच्छे से क्लियर आएगा कि 35% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड इज हेल्ड बाय बी लिमिटेड। ए लिमिटेड क्या है? टारगेट कंपनी है, इसका 35% होल्ड कर रखा है बी लिमिटेड ने, विच इज प्रमोटेड बाय ए बी सी। दे टुगेदर होल्ड 90% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड एंड ऑल्सो होल्ड 65% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ सी लिमिटेड। घपला किए जा रहे, देख लो। पहले क्या कह रहे हैं? ए लिमिटेड टारगेट कंपनी, बी लिमिटेड एक्वायरर, कितने होल्ड कर रखे हैं? 35%। डन, विच इज प्रमोटेड बाय ए बी सी। एबीसी के प्रमोटर कौन है? सॉरी, बी लिमिटेड के प्रमोटर कौन है? एबीसी। इन्होंने कितना होल्ड कर रखा है? दे टुगेदर होल्ड 90% कैपिटल। इन्होंने मिलके कितना होल्ड किया? 90% कैपिटल। फिर क्या कह रहे हैं? ऑल्सो होल्ड 65% शेयर कैपिटल ऑफ सी लिमिटेड। और यही जो एबीसी है, यही जो एबीसी है, इन्होंने होल्ड कर रखा है सी लिमिटेड में शेयर। ये सी के भी क्या है? शेयर होल्डर्स है। ये क्या है? सी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स है। और कितना होल्ड कर रखा है? 65%, दैट मीन्स मोर देन 50%। अब अगर बी लिमिटेड कौन से शेयर? टारगेट कंपनी के शेयर किसको दे दे? सी लिमिटेड को दे दे, तो बोले ये ट्रांसफर एग्जम्प्ट है। क्यों एग्जम्प्ट है? बोले दोनों के शेयर होल्डर सेम है। इसको भी कंट्रोल किसने किया है? बी लिमिटेड को कंट्रोल भी एबीसी ने कर रखा है, और सी लिमिटेड को भी कंट्रोल किसने कर रखा है? एबीसी ने ही कर रखा है। ठीक है, अब सी अगर क्या कर दे, बी लिमिटेड अगर अपनी होल्डिंग को ट्रांसफर कर दे, ये जो एक्विजिशन है 35% का, ये ऑटोमेटिकली एग्जम्प्ट है रेगुलेशन 3 और 4 से विद रिगार्ड टू ऑब्लिगेशन टू मेक ओपन ऑफर, सिंस द सेम सेट ऑफ पर्सन होल्ड मोर देन 50% शेयर कैपिटल ऑफ कंपनीज, दैट मीन्स बी लिमिटेड और सी लिमिटेड। इन दोनों को कंट्रोल सेम ही इंसानों ने कर रखा है, तो ये कहीं ना कहीं एक अंडर द सेम कंट्रोल चल रही है। इन्हें कहीं ना कहीं हम ग्रुप कंपनी टाइप कह सकते हैं। तो बोले अगर इनके बीच में एग्जम्प्शन, इनके बीच में ट्रांसफर हो रहा है तो ये क्या है? एग्जम्प्ट है। इनके बीच में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो क्या है? एग्जम्प्ट है। तो एनी इंटर से ट्रांसफर आर एग्जाम सब्जेक्ट टू कंडीशन कंट्रोल ओवर द क्वालिफाइंग पर्सन बींग एक्सक्लूसिवली हेड बाय द सेम पर्सन। ये जो क्या हो रहा है, क्वालिफाइंग पर्सन के बीच में ट्रांसफर हो रहा है। कौन क्वालिफाइंग पर्सन? जिनको कंट्रोल कर रहे हैं सेम सेट ऑफ पर्सन। तो इंटर से ट्रांसफर उस कंपनी को जिसमें सेम सेट ऑफ पर्सन ने होल्ड कर रखा है नॉट लेस देन 50% ऑफ इक्विटी शेयर वुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग ए पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ ओपन ऑफर। तो अगर सेम सेट ऑफ पर्सन है, चाहे कंपनी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर सेम है दोनों के, तो और दोनों को कंट्रोल सेम सेट ऑफ शेयर होल्डर ने कर रखा है, तो ये ट्रांसफर क्या माना जाएगा? एग्जम्प्ट माना जाएगा।
क्या माना जाएगा? एग्जम्प्ट माना जाएगा। डन भाई, देख लो यही था मुश्किल, बाकी तो आसान है। ठीक है, अभी आपने पहला पॉइंट क्या, दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था? प्रमोटर्स के बीच में ट्रांसफर। अब मैं क्या कह रहा हूँ, पीएसी के बीच में ट्रांसफर। पहला हमने क्या, दूसरा हमने क्या पढ़ा था? पहला हमने पढ़ा इमीडिएट रिलेटिव, दूसरा हमने पढ़ा प्रमोटर्स के बीच में ट्रांसफर। तो प्रमोटर कैसे फाइंड आउट किए थे? प्रमोटर कैसे फाइंड आउट किए थे? एसएसटी की डिस्क्लोजर के हिसाब से या एलओडीआर के डिस्क्लोजर के हिसाब से, ऐसे ही पिछले 3 साल के पीएसी फाइंड आउट कर लो। कौन पर्सन? पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न कहला रहे अपने आप को पिछले 3 साल से। तो अगर पीएसी आपस में शेयर बदल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एनी ट्रांसफर अमंगस पर्सन हु आर पीएसी, अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है उन पर्सन के बीच में जो पिछले 3 साल से किसका काम कर रहे हैं, पीएससी का काम कर रहे हैं पिछले 3 साल से, बिफोर द ट्रांजेक्शन, एंड सेम हैज बीन डिस्क्लोज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न। और ये बात डिस्क्लोज भी की गई थी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो एलओडीआर के हिसाब से फाइल हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? एग्जम्प्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एग्जम्प्ट कहलाएगा। डन। तो इंटर से ट्रांसफर अब किसके बीच में हो रहा है? पीएससी के बीच में हो रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? एग्जम्प्ट कहलाएगा। अब लास्ट कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। शेयर होल्डर ऑफ टारगेट कंपनी हु हैव बीन पीएससी, शेयर होल्डर ऑफ टारगेट कंपनी हु हैव बीन पीएससी। तो अगर कोई पीएससी है, ये भी क्या है? कंपनी के फॉर्म में। अगर ये पीएससी किसी और को ट्रांसफर कर रहा है अदर देन पीएससी को, अदर देन पीएससी को, बट शेयर होल्डिंग पैटर्न वही सेम टाइप का है, तो फिर क्या है? एग्जम्प्ट है। देखो क्या कह रहा है, अगर इंटरफेस ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन द पीएसीआई फॉर ए पीरियड ऑफ नोट लेस देन 3 इयर्स प्रियोर टू द प्रपोज एक्विजिशन एंड आर डिस्क्लोज अंडर द फाइलिंग एंड द कंपनी इन विच एंटायर इक्विटी शेयर होल्डर इज ऑन्ड बाय सच शेयर होल्डर इन द सेम प्रपोर्शन एज देयर होल्डिंग इन द टारगेट कंपनी विदाउट डिफरेंशियल एंटाइटलमेंट टू एक्सरसाइज द वोटिंग राइट इन सच कंपनी। अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल समझो, एबीसी होल्ड कर रहे हैं 10, 40, 50 किसके? टारगेट कंपनी के, ए लिमिटेड। दे आर टर्म्ड एज ए पीएससी और इन्हें पीएससी बोला गया शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से, ए बी और सी को। दे आर द ओनली शेयर होल्डर ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के भी यही शेयर होल्डर है। जहां पे शेयर होल्डिंग पैटर्न सेम है, यहां पे क्या रेशियो 1:4:5 है, सेम रेशियो कहां पर है? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक है, वो कह रहा है कि ये जो ट्रांसफर है ए लिमिटेड से एबीसी लिमिटेड को, ये जो शेयर्स का ट्रांसफर है किससे? ए लिमिटेड से, सॉरी एबीसी जो अपने शेयर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं किसको? ए लिमिटेड वाले शेयर्स एबीसी लिमिटेड को। तो ये ट्रांसफर तभी एग्जम्प्ट होगा जब एंटायर 50,000 शेयर्स इन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड आर हेल्ड इन द सेम रेशियो 1:4:5 के हिसाब से। In other word, the entire share capital of ABC Private Limited must be held in the same proportion as of 1:4:5 as their of shareholding in the target company in order to that this interstate transfer be automatically exempted. तो ये transfer क्या हो जाएगा? Automatically exempt हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहे एक person कह रहे मैं PAC हूँ। एक हमने क्या देखा, target company के shareholder देखे, बोले उसमें कोई PAC थे। अब ये क्या करना चाह रहे हैं, ट्रांसफर करना चाह रहे हैं किसी दूसरी कंपनी को, किसी दूसरे को। कह रहे कि अगर टारगेट कंपनी के जो शेयर होल्डर है और ये जो अदर कंपनी के शेयर होल्डर है, ये अगर सेम प्रपोर्शन में शेयर होल्ड कर रखे हैं जिन्होंने, अब अगर पीएसी अपने शेयर इसको ट्रांसफर कर रहा है तो ये ट्रांसफर एग्जम्प्ट है। ये ट्रांसफर क्या है? एग्जम्प्ट है। ठीक है, डन भाई। हाँ, बेसिकली शेयर होल्डर टारगेट कंपनी को, और ट्रांसफर किससे हो रहा है? पीएसी से हो रहा है। ट्रांसफर पीएसी से हो रहा है और पीएसी क्या है? शेयर होल्डर है किसका? टारगेट कंपनी का। और पीएसी, पीएसी शेयर होल्डर है किसका? दूसरी कंपनी का। डन भाई, ये पढ़ लेना अच्छे से, जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अब इसका छोटा सा एक क्या दे रखा है, प्री कंडीशंस दे रखे हैं। प्री कंडीशंस क्या है? अगर आपको एग्जम्पशन चाहिए
10(1)(a)(1)-(4)(1)-(5) में तो शेयर्स क्या होने चाहिए, पहली चीज फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो जो एक्विजिशन प्राइस है वो इससे कम नहीं होगा। यहां लिख लो चाहे इंटर से ट्रांसफर है लेकिन एक्विजिशन प्राइस क्या नहीं होगा, शैल नॉट बी हायर बाय मोर देन 25% ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ 60 ट्रेडिंग डेज। तो 60 ट्रेडिंग डेज का आप क्या निकालो, वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस निकालो, यानी क्या है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई प्राइस प्लस नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई प्राइस प्लस नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई प्राइस, ये करते करते डिवाइडेड बाय टोटल नंबर से क्या कर दो, ठीक है मार्केट प्राइस, प्राइस का मतलब बेसिकली मार्केट प्राइस है, तो कितने शेयर्स किस प्राइस पे क्या हुए ट्रेड हुए हैं, इनको सबको ऐड करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस आ जाएगा। ये 60 दिन का निकाल लो, 60 दिन का निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, जो निकलेगा उससे 25% से ज्यादा हायर नहीं होगा एक्विजिशन प्राइस। मतलब आप ये थोड़ा इंटर से ट्रांसफर कर रहे हो और आप 50 रुपए का शेयर उसको 100 रुपए का बेच रहे हो, बोले हम तो आपस में दे रहे हैं तुम्हें क्या दिक्कत है, बोले नहीं ऐसा भी नहीं है कि एक्विजिशन प्राइस पर शेयर है वो किससे ज्यादा नहीं हो सकता, वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस के 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। शैल नॉट बी हायर बाय मोर देन 25%। वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस अगर 100 रुपए है तो इसका 25% हायर, इसका 25% हायर इससे ज्यादा नहीं हो सकता। फॉर ए पीरियड ऑफ 60 ट्रेडिंग डेज प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द इश्यूएंस ऑफ नोटिस फॉर प्रपोज इंटरेस्ट ट्रांसफर एज ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज जहां मैक्सिमम वैल्यू ट्रेड हुई है, और अगर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो जो भी प्राइस आप बुक वैल्यू के हिसाब से निकालोगे उसके 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर हमने ये कहा कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस क्या है 100 रुपए है, तो 100 रुपए का क्या निकाल लो 25% निकाल लो, तो यानी 125 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी क्या नहीं हो सकता 125 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल रहेगी, एग्जम्प्ट तुम्हें किससे किया है, ओपन ऑफर से एग्जम्प्ट किया है, बट लेकिन डिस्क्लोजर से एग्जम्प्ट नहीं किया है, डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट एज इट इज रहेगी। क्या रहेगी, डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब ये याद रखना, इनपे क्वेश्चन आते हैं, ये इसे ऐसे ही मत निकाल देना कि सर समझ में आ गया तो ठीक है नहीं तो छोड़ देते हैं, भाई क्वेश्चंस हैं इस पे, तो उसे 3 बार सिर्फ इसी रेगुलेशन 10(1)(a) इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो हमने क्या कहा कि अगर ट्रांसफर हो रहा है किसके बीच में, दोबारा बना लेते हैं, तुम भी बना लो इस बार, हम क्या कह रहे हैं कि अगर इंटर से ट्रांसफर हो रहा है तो इंटर से ट्रांसफर क्या है, एग्जम्प्ट है किससे, रेगुलेशन 3 से और रेगुलेशन 4 से। इंटर से ट्रांसफर किसके बीच में हो रहा है, पहला क्वालिफाइंग पर्सन, ठीक है इंटर से ट्रांसफर हो रहा है किसके बीच में, क्वालिफाइंग पर्सन। अब क्वालिफाइंग पर्सन में कौन है, इमीडिएट रिलेटिव है, ठीक है क्वालिफाइंग तो मतलब मेन था ना, ये ऊपर ही लिखना पड़ेगा, क्वालिफाइंग पर्सन इंटर से ट्रांसफर हो रहा है क्वालिफाइंग पर्सन के लिस्ट में। अब क्वालिफाइंग पर्सन में पहला पर्सन कौन है, इमीडिएट रिलेटिव है, इमीडिएट रिलेटिव। दूसरा कौन है, पर्सन ठीक है अमंगेस्ट नेम्ड प्रमोटर, पिछले 3 साल से प्रमोटर होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है, तीसरा, तीसरे के 3 पॉइंट है, पहला होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, सॉरी होल्डिंग सब्सिडरी फेलो सब्सिडरी। दूसरा क्या कह रहा है, जिसने मोर देन 50%, मतलब पर्सन ने अगर मोर देन 50% होल्ड कर रखा है किसका, एक्वायरर का, सेकंड ये था। तीसरा क्या कह रहा है कि सेम शेयर होल्डिंग पैटर्न टाइप था ना, तीसरा क्या कह रहा था, सेम शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब एक्वायरर के शेयर्स और अदर के शेयर्स सेम शेयर होल्डर ने होल्ड कर रखे है, सेम शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं था, बेसिकली सेम पर्सन ने मोर देन 50% होल्ड कर रखा है दोनों का, सेम पर्सन ने, सेम शेयर होल्डर ने मोर देन 50% होल्ड कर रखा था दोनों का। सेकंड में किसको किया जा रहा था, उस पर्सन को किया जा रहा था जिसने मोर देन 50% होल्ड कर रखा है एक्वायरर का। थर्ड में क्या कह रहा है, सेम पर्सन ने होल्ड कर रखा है
एक्वायरर का और अदर कंपनी का, तो ये अदर कंपनी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर चौथा क्या बोले, बोले जो पीएसी है इनके बीच में ट्रांसफर एग्जम्प्ट है। पांचवा क्या कह रहे हैं कि टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर और जो अदर कंपनी के शेयर होल्डर, ये क्या है, दोनों सेम है। तो अब अगर ट्रांसफर हो रहे हैं पीएसी के बीच में, अब अगर ट्रांसफर हो रहे हैं किसके बीच में, पीएसी के बीच में, बीइंग द सेम सेट ऑफ शेयर होल्डर की वजह से, सेम शेयर होल्डिंग पैटर्न की वजह से, तो ये ट्रांसफर एग्जम्प्ट है। ये ट्रांसफर क्या है, एग्जम्प्ट है। डन भाई, बहुत है आज के लिए, ठीक है। रेगुलेशन 11 हो गई और रेगुलेशन 10 का सिर्फ एक ही पॉइंट हुआ है, 10(1)(a). ये तुम्हारी बुक में एग्जांपल नहीं है, ये प्रोफेशनल के एग्जांपल है जितने तुमने किए। तुम्हारी बुक में तो सीधा सीधा दे रखा है, समझाया नहीं गया, फिर वो समझ ना आए तो फिर क्या ही बात है, ठीक है। इसीलिए ये उठा के डाले गए हैं तुम्हारे प्रोफेशनल के सिलेबस से, हमारे प्रोफेशनल के सिलेबस में है ये एग्जाम्पल, तो ये वहां से एग्जाम्पल उठा के डाले गए, ठीक है। तो आपको याद करना हो करो, नहीं करना आपकी मर्जी है, आप चाहे एक लाइन याद करके छोड़ दो वो आपकी मर्जी है, बट हाँ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इनके ऊपर, ठीक है भाई। थोड़ी देर तक स्टार्ट करते हैं, 10-12 मिनट तक स्टार्ट करते हैं एबीएसएल की क्लास।